हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आंसर की। जी हाँ, इंग्लिश का एग्जामिनेशन आपका हो चुका है, एग्जामिनेशन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, यह एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसके लिए आईएससी और आईकॉम के लिए। ठीक है, साइंस और कॉमर्स वाले का जो इंग्लिश पेपर हुआ था उसका आंसर की हम लोग देखेंगे, और 100% इसका जो एक्यूरेसी होगी 100% होगी, मतलब कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग है ना इसका देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, और इस बार जो है बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का आपको जवाब देना था, और 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसमें भी जो है आपको चुन करके जवाब देना था। ये इंस्ट्रक्शन है, ये सेट कोड है आपका, जो होगा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, कितने में? 100 में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला। अब सेक्शन यहाँ पे है सेक्शन ए, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, रमेश इज डैश एंड हार्टली। ठीक है, हार्टी हार्टी हार्टली नहीं है, हार्टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रमेश इज, यहाँ पे आंसर होगा ए नंबर। हेल एंड हॉटी मतलब होता है चुस्त और दुरुस्त। ठीक है, हेल एंड हॉटी मतलब क्या होता है? चुस्त दुरुस्त, हेल और हॉटी। ठीक है, चुस्त दुरुस्त, आंसर क्या होगा? रमेश चुस्त और दुरुस्त है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पहला का आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस इसमें क्या है? ठीक है, तो सही सेंटेंस इसमें जो है आपको यहाँ पे देखिएगा कि हार्डली के साथ, ठीक है, हार्डली होगा और वेन होगा, मतलब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी, बाकी का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हार्डली हैड ही, मतलब हार्डली हैड के साथ यहाँ पे वेन लगा हुआ है, तो ये आपका सही एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर, मतलब यह जो है यह हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हार्डली, मतलब जैसे ही वह बैठी, मतलब हार्डली हैड ही सेटल इन टू हिज सीट व्हेन राधा चार्ज्ड इन। ठीक है, मतलब जैसे, मतलब वो बैठा ही था कि राधा आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा का शी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए इसका तीसरा का देखिए आंसर। तीसरा का है, ही सेड डैट, उसने कहा कि ही डैश बी देयर, तो इसको आंसर इसमें हो जाएगा 3 का आपको, ही वुड, मतलब यहाँ पे है ना ये है, देखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, यहाँ पे सेड लगा हुआ है, ये पास्ट टेंस में है, तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। ही सेड डैट, उसने कहा, ही वुड बी देयर, वो वहाँ होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? वुड इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर नंबर का देखिए, एक एक से लेके और 60 तक ग्रामर का आपका पार्ट है। ठीक है, ग्रामर का है, और 61 से लेकर 61 से लेके 100 तक आपका बुक है। ओके, बुक का आंसर। ठीक है, तो 61 तक हम पहले देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ यू डैश लास्ट वीक, तो लास्ट वीक लगा हुआ है, तो लास्ट वीक में किसका होगा? तो लास्ट वीक में सिंस का इस्तेमाल होगा। आई हैव नॉट हर्ड यू सिंस लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह से, या पिछले सप्ताह से मैंने तुम्हें नहीं सुना है। ठीक है, या मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। ओके, उसके बाद देखिए, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, वीक का स्पेलिंग पूछ रहा है, वीक मतलब क्या होता है? सप्ताह। ठीक है, मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। ये अंग्रेजी नहीं है, ये अंग्रेजी आपको समझ में आ रहा है पढ़ के कि नहीं, वह बस यह चेक कर रहा था। ठीक है, यह मतलब वीक का स्पेलिंग पूछ रहा है कि वीक का स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, द पुलिस डैश द थीप, तो द पुलिस अरेस्टेड द थीप होगा। अरेस्टेड मतलब पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। ठीक है, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, करता है, आदत नहीं बता रहा है। ठीक है, ये आदत को नहीं बता रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 नंबर। दे डिसाइडेड डैश द व्हाइट कार, ठीक है, दे डिसाइडेड डैश द वाइट कार, तो दे डिसाइडेड ऑन, डिसाइडेड के साथ ऑन प्रीपोजिशन लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन, दे डिसाइडेड ऑन द वाइट कार, वह व्हाइट कार के बारे में निर्णय लिया। निर्णय मतलब डिसाइडेड ऑन मतलब होता है निर्णय लेना, मतलब नहीं होता है आप कार खरीदने गए और आपको क्या डिसाइड किए, तो व्हाइट कार के बारे में डिसाइड किए कि व्हाइट कार हमको लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7 का बी हो गया।
एट नंबर देखिए क्वेश्चन, माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक्स, ठीक है। अब देखो डिड नॉट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके साथ भरवन का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा, भरवन, भरवन है कौन, तो हैव जो है आपका भरवन है, ओके। तो यहाँ होगा माई साइकिल डिड नॉट हैव ब्रेक्स, मेरे मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है या नहीं था, मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं था, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाइन नंबर देखिए, इट इज टाइम फॉर द बेल टू द रंग, यह एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है। यह पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका एक्टिव वॉइस होगा टू रिंग द बेल, ठीक है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, यह एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और यह जो है यह पैसिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस यह बना है, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है। रंग यहाँ पे जो है वो भर्ब 3 लगता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। आंसर क्या होगा, 9 का सी, ये एक्टिव वॉइस है, ओके। चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 नंबर देखिए, ही ब्लेम्ड डैश फॉर द अगली सिचुएशन, ठीक है, ही ब्लेम फॉर द अगली सिचुएशन, तो ही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ही के साथ कौन आएगा, हिमसेल्फ आएगा, ही का क्या होता है, हिमसेल्फ आएगा, यू का योर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है, ठीक है। तो ही लगा हुआ था क्या, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द अगली सिचुएशन, इस खराब सिचुएशन का जिम्मेवार वो खुद को मान रहा था, ठीक है, या माना, ओके। चलिए अगला देखते हैं, 11 नंबर, बी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम लोगों को क्वाइट मतलब शांत रहना चाहिए, हम लोगों को शांत रहना चाहिए, अवश्य शांत रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, हम लोगों को लाइब्रेरी में अवश्य शांत रहना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग जो पढ़ रहे हैं उसको डिस्टर्बेंस होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब डैश ही डिड, ठीक है। तो बेटर यहाँ पे कंपरेटिव डिग्री है, क्या है, कंपरेटिव डिग्री है, सीडी है, तो कंपरेटिव डिग्री में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल करते हैं, दो चीजों के बीच में कंपेरिजन होता है, आई वुड हैव डन ए बेटर जॉब देन ही डिड, उसके मुकाबले हम ज्यादा अच्छा जॉब करेंगे या करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर, गिव मी समथिंग टू ईट डैश आई शैल डाई ऑफ हंगर, कह रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, अन्यथा, इल्स मतलब क्या होता है, अन्यथा, ठीक है, अन्यथा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा, अन्यथा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ खाने के लिए दो, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो, इल्स, इल्स आई शैल डाई ऑफ हंगर, अन्यथा मैं कि किस चीज से मैं अति से मर जाऊंगा, किस चीज से मर जाऊंगा, तो मैं भूख से मर जाऊंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12। अब देखो यहाँ ऑल हिज डैश इज स्टॉलन, क्या होगा, लगेज, उसका जितना भी लगेज था, लगेज नहीं होता, इसका पुलरल नहीं बनता है, ये लगेज खुद पुलरल है, पहले से ही है, ठीक है। तो ऑल हिज लगेज इज स्टॉलन, जितना भी उसका लगेज था सारा चोरी हो गया, ठीक है। 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा सी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, आई बॉट डैश ए शर्ट, ठीक है, तो आई के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, है ना, आई बॉट माई सेल्फ ए शर्ट, मैंने खुद के लिए एक शर्ट खरीदी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 15 का आंसर होगा डी, इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 नंबर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस करना है, कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को जोड़ने का काम करना है, ओके, दोनों को जोड़ना, सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास, है ना, कह रहा है कि वो इतना डल है कि वह एग्जामिनेशन पास कर ही नहीं सकती है, तो क्या होगा, सी इज टू डल, टू डल मतलब काफी डल है ना, सुस्त है, टू पास, है ना, पास करने के लिए, मतलब उसे एग्जामिनेशन पास होने वाला नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रवीण डज नॉट डैश विथ मोहन, कह रहा है कि प्रवीण जो है वो मोहन के साथ सहमत नहीं है, तो क्या होगा, डज नॉट लगा हुआ है, तो डज लगा हुआ है, तो भरवन यहाँ पर आएगा, तो भरवन कौन है, एग्री इज द भरवन, आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए आप आंसर मिला के और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, ठीक है, यह कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कितना मार्क्स आपका आया, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर होली, कह रहा है हम लोग अपने छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान, छुट्टी के दौरान बहुत सारे लोगों से मिले, ठीक है, हम लोग अपने छुट्टी के दौरान बहुत सारे लोगों से
मिले थे। 18 का आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। ओके चलिए 19 का आंसर देखिए। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू डैश डोंट डिस्टर्ब मी, कह रहा है कि जो तुम्हें मन करे वो करो, लेकिन लेकिन बट 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 मतलब क्या होता है, लेकिन डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तंग मत करो। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, जो मन है सो करो, बट लेकिन डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है चलिए बिस्मा का देखिए, इसका नहीं दिख रहा, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इट वॉज नॉट अ डैश एक्ट एट ऑल, कह रहा है कि यह एक पार्डनेबल एक्ट नहीं है। पार्डनेबल एक्ट मतलब होता है क्षमा करने वाला काम। ठीक है मतलब ये ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको क्षमा कर दिया जाए, तो आंसर क्या होगा? पार्डनेबल होगा। पार्डनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, समझ जाइए। ठीक है यह पार्डनेबल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है। तो कैसा काम है, एक मतलब क्या होता है काम, कैसा काम है ना, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, यह क्षमा करने योग्य बिल्कुल भी काम नहीं है। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चूज द ऑर्डर नाउ, पेन से हम लोग लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पेपर से लिखते नहीं है, पेपर पर लिखते हैं, तो आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ओके क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ओके इसका आंसर क्या होगा? एक इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। ठीक है कह रहा है यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर द ब्रेकफास्ट, यह क्वेश्चन टैग का सवाल है। किसका सवाल है? क्वेश्चन टैग का सवाल है। ओके तो क्वेश्चन टैग्स का सवाल है, तो इसमें यह जो है नेगेटिव सेंटेंस है ना, नोट लगा, नोट मतलब होता है, नेवर का मतलब होता है नोट एवर, है ना, हैव यहाँ पे लगेगा यू, तो हैव यू कहाँ है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? ये नेगेटिव सेंटेंस में जो होता है वह नेगेटिव टैग में नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होगा, और क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होगा। ओके समझ में आ रही है बातें? चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। चलिए 22 हो गया, 23 देखिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब होता है क्या? आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं कहता है, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, यह इम्पॉसिबल है मतलब असंभव है, तो इम्पॉसिबल आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है असंभव। ठीक है तो करेक्ट मीनिंग इसका क्या होगा? इम्पॉसिबल। ओके 23 हो गया, 24 देखिए। देयर आइडिया ऑफ ए होलीडे डैश एट रिजॉर्ट, कह रहा है उसका जो होलीडे का आइडिया है, होलीडे मतलब छुट्टी का जो आइडिया है रिजॉर्ट में, वो क्या है? इज रिलैक्सिंग, इज टू रिलैक्सिंग, इज रिलैक्सिंग, इज टू रिलैक्स, क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इज रिलैक्सिंग है। ठीक है इज रिलैक्सिंग, देयर आइडिया ऑफ ए होलीडे इज रिलैक्सिंग एट ए रिजॉर्ट। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 25 का है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंसेस में चूज करना है कि सही सेंटेंस कौन सा होगा। ओके तो क्या होगा? आई डिड माई वर्क क्विकली, मैं अपना काम तेजी से किया, मैंने अपना काम तेजी से किया। ठीक है आई डन माई वर्क क्विक नहीं होता है, डिड माई वर्क वेरी क्विक नहीं होता है, आई डू माई वर्किंग क्विक नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? आई डिड माई वर्क क्विकली। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है आई डिडंट डैश वेयर ही वाज गोइंग, कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया है, आई डिडंट नो। ठीक है यहाँ पे डिड लगा हुआ है ना, तो इसके बाद वर्ब वन का इस्तेमाल होगा, नो क्या है? वर्ब वन है, आंसर क्या होगा? नो इज द राइट आंसर। ओके आई डिडंट नो वेयर ही वाज गोइंग, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा था। ठीक है मुझे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा था। 26 हो गया, 27 नंबर क्वेश्चन, इफ यू इन्वाइट मी, अगर आप मुझे इन्वाइट करेंगे मतलब मुझे निमंत्रण देंगे, आमंत्रित करेंगे, आई डैश सर्टेनली कम, तो आई वुड मतलब सर्टेनली कम, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, है ना, वुड मतलब गागे की का इस्तेमाल होता है, आई क्या है इफ के साथ इस वुड का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से सेंटेंस अगर रहेगा, इफ यू इन्वाइट मी, अगर इन्वाइट करेंगे तो आई वुड सर्टेनली कम, मैं अवश्य आऊंगा, तो उसमें किसका इस्तेमाल होगा? वुड का इस्तेमाल होगा। ठीक है मिस स्पेल्ड वर्ड कह रहा है, मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब होता है कि गलत वर्ड मीनिंग इसमें किसमें लिखा हुआ है। ठीक है
ठीक है, तो गलत वर्ड मीनिंग कंपेनियन है, इसका स्पेलिंग कंपेनियन का सही है, कंट्रोवर्सी का है, ठीक है, विवाद डिसीजन निर्णय, कंपेनियन मतलब कोई कंपेनियन चलाते हैं, और सेक्रेटरी जो है यहाँ पे जो टी के बाद ए छूट गया हुआ है, मतलब सेक्रेटरी यहाँ पे ए नहीं है और यहाँ पे ए है, तो है ना, सेक्रेटरी का स्पेलिंग ए होगा, इसलिए कह रहा है कि गलत स्पेलिंग किस में है, तो यही सेक्रेटरी का स्पेलिंग गलत है, ए छूट गया हुआ इसमें, ठीक है, या छोड़ दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा, 28 का सी होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते, कह रहा है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन है, देखो ये क्वेश्चन ही गलत है, यह करेक्ट वर्ड होगा, करेक्ट वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं होगा, मिस स्पेल्ड वर्ड था, इसमें भी मिस स्पेल्ड है, ये भी मिस स्पेल्ड है, ये भी इसमें मिस स्पेल्ड है, आंसर क्या होगा, हारमोनी, ये सही आंसर है, मतलब यह स्पेलिंग इसका सही, एक एक वो है, बाकी तीनों स्पेलिंग हारमोनी का क्या है, गलत है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिस स्पेल्ड, ठीक है, तो मिस स्पेल्ड तो तीनों है, तो तीनों आंसर तो होगा नहीं, सिंगल आंसर आता है, तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन में मिस स्पेल्ड नहीं, चूज द करेक्ट वर्ड होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है इससे, तो ये जो क्वेश्चन बनाए होंगे जो विद्यार्थी, उस सबको नंबर मिलेगा, ठीक है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन ही गलत है, याद रखिएगा, ठीक है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो बच्चा है ये लगाया है हारमोनी, मतलब सही लगाया अपने दिमाग से, कहा कि एक ही ऐसा है कि जिसका सही है, तो यहाँ पे सही होना चाहिए। चलिए देखिए, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, मतलब किसी भी राजा को जब राज्य अभिषेक करते हैं उसको क्राउन पहनाया जाता है, उनको मुकुट पहनाया जाता है, ठीक है, तो उस सेरेमनी को क्या कहते हैं, तो उस सेरेमनी को बोलते हैं राज्य अभिषेक बोलते हैं, कोरोनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोनेशन, 30 का आंसर क्या होगा, सी, कोरोनेशन मतलब होता है राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक राजा का होता है, क्राउनिंग ए किंग मतलब क्राउन पहनाया जाता है। चलिए देखिए, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, यह जो है करेक्ट पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस, तो आप देखिए हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, ये वर्ब टू है मतलब पास्ट टेंस में, तो मी का आई होगा, आई सब में है, और यहाँ पे वाज है, एम है, ए तो नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रेजेंट है भी नहीं होने वाला है, अब इस दोनों में से, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड जो है भर, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव वॉइस में भर 3 होता है, और यहाँ पे देखिएगा तो भर 4 लगा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस, आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, 31 का आंसर क्या होगा, सी। ओके चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 'द एंगेजमेंट पार्टी वॉज कैंसल्ड एज द पीपुल वर अगेंस्ट द मैरिज', कह रहा है कि मैरिज पार्टी कैंसल हो गया, काहे मैरिज पार्टी कैंसल हो गया, काहे कि बहुत सारे लोग, मतलब जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, द फ्यू मतलब होता है जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, जितने भी उस मैरिज पार्टी में मौजूद थे, सारा लोगों ने क्या किया, विरोध किया, ठीक है, क्या किया, अगेंस्ट द मैरिज, वह शादी के खिलाफ था इसलिए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका द फ्यू, द फ्यू मतलब होता है जितने भी जो लोग थे वहां, सब जो है इस खिलाफ थे, ठीक है, तभी ना कैंसिल हो गया जी। नेक्स्ट, रमेश हैज बीन एबसेंट डैश फ्राइडे, है ना, हैज बीन लगा हुआ है, तो हैज बीन में सिंस का इस्तेमाल होता है, पता ही है, रमेश जो है वो फ्राइडे मतलब शुक्रवार से एबसेंट है, अनुपस्थित था, ठीक है, अनुपस्थित है, तो 33 का ए इज राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चिकन एंड राइस, देखो चिकन और राइस मतलब होता है मुर्गा और चावल, ठीक है, मुर्गा और चावल एक साथ खाया जाता है, कभी आपने घर पे देखा है कि हाँ आज क्या बनाया है, तो चिकन बनाया है, और चिकन खा के और सो गए, ऐसा तो नहीं होता है, अब कोई चावल खा के सो गया, चिकन को छोड़ दिया, नहीं, चिकन चावल एक साथ खाया जाता है, और यह एक भोजन होता है, तो सिंह एक भोजन है चिकन चावल, हालांकि दो गो है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन खाता दाल भात एक साथ खाते हैं, इन्हें कि दाल पी के सो गए या चावल चिबा के जो है चले गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो अब दोनों चीज जब एक साथ आता है तो दोहराता है दो चीज, लेकिन काउंट होता है एक ही चीज, तो चिकन और चावल एक चीज होगा, तो सिंगुलर वर्ब इसमें लगेगा, तो क्या होगा, इज माई फेवरेट डिश, ठीक है, इज लगेगा इसमें, ये सब प्लुरल है, ठीक है, ये सब क्या है, प्लुरल वर्ब नहीं होगा, ठीक है, चिकन और राइस मेरा है ना पसंदीदा खाना
खाना है। ओके, दाल भात रहता तो भी वो भी सही होता, वो भी सही हो जाता, उसमें भी दिक्कत नहीं है। नडाल वॉन ऑल द मैचेस प्ले इन पेरिस, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस चूज करने में मतलब नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि जितने भी पेरिस में उन्होंने गेम खेला है नडाल ने, राफेल नडाल ने, ठीक है, वह सारे मैचेस जीते हैं, मतलब एक भी मैच उन्होंने हारा नहीं है, एक भी मैच हारा नहीं है। उसका आंसर आपको हो जाएगा इसमें, नडाल डिड नॉट लॉस अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। 35 का आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 36। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त था, क्या दोस्त है, ठीक है। तो 36, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा, यू सेकेंड पर्सन है, आई के अनुसार क्या हो गया, आई एम हिज फ्रेंड हो गया, ठीक है। 36 का इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37। अकर वाज डैश नोबलेस्ट किंग, नोबलेस्ट मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में किसका इस्तेमाल होता है, द का इस्तेमाल होता है। 37 का क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोती ऑलवेज, ऑलवेज मतलब यह बता रहा है आदत को, ठीक है, ऑलवेज है ना, ये गहन ये सब अगर रहेगा है ना, आदत वाला, तो आदत बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, तो मोती है तो क्या होगा, वर्ब 5 होगा, वर्ब 5 होगा, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब 5 का इस्तेमाल होता है, तो क्या होगा, मोती ऑलवेज इट्स चपाटीज इन हिज डिनर, मोती जो है अपने डिनर में हमेशा चपाती खाता है, खाता है मतलब उसको पसंद है, उसकी आदत है खाना, ठीक है। 39, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस इसमें चूज करना है, मतलब इसमें 3 सेंटेंस गलत है और 1 सेंटेंस इसमें सही है, तो आंसर इसमें हो जाएगा, ये सारा सेंटेंस गलत है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, आंसर क्या होगा, यह सही सेंटेंस है, बाकी इसमें क्या है, गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 39 का ए हो गया आपका, 40। ही डैश नॉट बी देयर, उसे वहां मतलब उसे वहां रहने की जरूरत नहीं थी या नहीं है, ठीक है, तो ही नीड नॉट बी देयर, उसे वहां नहीं होना चाहिए, या ये ऐसा कहे कि उसको उसे जरूरत नहीं है वहां होने की, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नीड इज द राइट आंसर। 40 का क्या होगा, नीड इज द राइट आंसर, ठीक है, 40 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 41 का आंसर देखिए, डैश बी ग्रास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो डैश द ग्रास मतलब होता है घास से दूर रहो, ठीक है, क्या करो, घास से दूर रहो, तो कीप ऑफ द ग्रास, नहीं ना, फूलों से दूर रहो, घास से दूर रहो, मतलब घास के मैदान में नहीं रहता, तो घास पे चलो नहीं, घास खराब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या होगा, कीप ऑफ द ग्रास मतलब घास से दूर रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला, डैश चेयर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो चेयर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में सिंगुलर वाला देंगे तो एन एक्स्ट्रा चेयर इज रिक्वायर्ड हो जाएगा, मच ए मच अनकाउंटेबल नाउन में लगता है, हटाइए, मेनी मोर लग सकता है, तो मेनी के बाद प्लुरल नाउन होगा, ठीक है, मोर के बाद प्लुरल नाउन होगा, तो प्लुरल नाउन तो यहाँ पे नहीं है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन में क्या होगा, ए एन एक्स्ट्रा चेयर इज रिक्वायर्ड, एक अतिरिक्त कुर्सी की आवश्यकता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एन एक्स्ट्रा, ठीक है। 43 का आंसर देखिए, वी शुड थिंक डैश दिस मैटर डीपली, कह रहा है कि थिंक ओवर है, थिंक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ओवर, वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली, हमें इस मामले को गहनता से है ना क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है, इस मैटर पे हमें गहनता से गहराई से सोचना चाहिए। चलिए 44 का आंसर बताइए, 44 है, चूज द करेक्ट मीनिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बी रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है एकदम बारीकी से पढ़ना, दो लाइन के बीच में पढ़ना, मतलब ये मुहावरा है, एडमसन फ्रेज है, तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग मतलब उसमें छुपी हुई जो अर्थ है उसको है ना समझना, इसको बोलते हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। 44 का आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 45, चूज द ऑड ऑन आउट, ऑड ऑन आउट मतलब होता है मतलब इसमें चार गो में से तीन एक जैसा है एक अलग है, उसी अलग को क्या करना है हमें चूज करना, तो स्कूल में पढ़ाई होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, कॉलेज में पढ़ाई होता है, ऑफिस में पढ़ाई नहीं होता, काम होता है, तो ये तीनों एक समान है, ठीक है, यह अलग है, तो अलग वाला आंसर हो जाएगा, ऑड
ऑड मतलब चूज करना है, तो ऑड मतलब जो अलग हो इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश सेल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी। 46, 46 का आंसर क्या होगा, तो 46 का होगा हुम सेल आई फियर, ठीक है। हुम सेल आई फियर, हमें किससे डरने की जरूरत है, बट वंस हु हर्ट मी, मतलब हमें उसी से डरने की जरूरत है जो हमें हर्ट किया है, ठीक है, मतलब हमें चोट पहुंचाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो यहाँ पे हु भी हो सकता है, कोई कोई क्वेश्चन का जो सेट करता है ना वह ऐसा नहीं है, ऐसा एक फ्रेज है ना, हु से फ्रेज शुरू होता है, लेकिन अगर ऐसे देखें तो हुम का इस्तेमाल होगा। कोई कोई क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सरकार रिलीज करती है तो उसमें देखिए कि इसका आंसर क्या देता है, वो क्या सोच के इसको बनाया है, ठीक है। चलिए 47, गोल मारेगा तो हु से शुरू है ना वाला जो है एक फ्रेज होता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना, किसी चीज को मना करते हैं तो फॉरबिड का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोहिबिट मतलब भी होता है मना करना, ठीक है। तो सिनोनिम, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब एक समान अर्थ जो रखता है, तो आंसर क्या होगा, प्रोहिबिट, ठीक है। एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का एंटोनिम मतलब उल्टा क्या होगा, ओरिजिनल होगा। डुप्लीकेट मतलब होता है, डुप्लीकेट तो समझ ही रहे हैं, ठीक है, उसका ओरिजिनल, ये उल्टा है या सीधा है। 49 का आंसर देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें आपका होगा कंसेंट, कंसेंट का होगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है, कंसेंट ये आंसर इसका सही है, ठीक है। चलिए 50 का आंसर बताइए, फिफ्टी का आंसर बताइए, दे शुड नॉट डैश अपॉन द पुअर, ठीक है, उससे गरीबों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए 50 का आंसर बताइए, 50 का आंसर क्या होगा, तो लुक डाउन, दे शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, उसे गरीबों को नीचा नहीं देखना चाहिए, मतलब गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसे नीचा नीच नहीं समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हियर, तो यूनिवर्सिटी का प्रोनंसिएशन कैसा होता है, ऐसा होता है यूनिवर्सिटी, तो पहला अक्षर क्या है, यह है, मतलब यह वॉवेल साउंड से शुरू नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो कॉन्सोनेंट साउंड में किसका इस्तेमाल होगा, ए, देयर इज यूनिवर्सिटी हेयर, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, ओके, यूनिवर्सिटी मतलब होता है विश्वविद्यालय। 52 का आंसर बताइए, राजेश इज स्टिल शाउटिंग, है ना, यह क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग का सवाल है, तो क्वेश्चन टैग है ना यहाँ पे, यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो इज ही होगा, इजंट ही, ठीक है, इजंट ही इज द राइट आंसर, यह पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन टैग होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रैवल। ट्रैवल का है ना करेक्ट क्या कहता है, एंटोनिम चूज करना है। ट्रैवल मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ, तुच्छ चीज नहीं होता है जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसका जो एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उल्टा, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और ये होता है तुच्छ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 53 हो गया, 54, दिस चाइल्ड इज वेरी डैश टू मी, कह रहा है यह जो बच्चा है यह मेरे लिए क्या है, बहुत ही डियर है। डियर मतलब होता है कि मेरा प्रिय है, डियर मतलब क्या होता है, प्रिय है, ओके, क्या है, प्रिय है, ओके। देखिए अब ध्यान नहीं कहते, ही कैन नॉट पुट डैश विद सच इंसल्ट, कह रहा है कि वह इस इंसल्ट के साथ कैनॉट पुट अप नहीं कर रहा है, मतलब यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, पुट अप, ठीक है, ही कैनॉट पुट अप विद सच इंसल्ट, इस इंसल्ट के साथ वो पुट अप नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए 55 हो गया, 56, नाइडर के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब किसमें है, नाइदर ऑफ टू मैन, है ना, नाइदर मतलब दोनों आदमी से कोई नहीं, डन दिस इसे किया है, मतलब दोनों में से किसी ने इसे नहीं किया है, तो हैज, ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब हैज है तो ये होगा, ठीक है। नाइदर ऑफ टू मैन हैज डन दिस, ये ना वर्ब थ्री है, तो हैज के साथ वर्ब थ्री है ना चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री का इस्तेमाल होता है, तो उसी प्रकार से है। 57 का आंसर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग चूज करना है कि सही स्पेलिंग कौन सा होगा, तो रिजेम्बलेंस होगा इसका, रिजेम्बलेंस का स्पेलिंग होता है ये वाला, ठीक है। चलिए 57 हो गया, 58 का आंसर देखिए, 58,
ही सेड टू रीता एमाइल, ठीक है, ही सेड टू रीता एमाइल। तो ये सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ प्रेजेंट है तो नहीं होगा, ये फ्यूचर हो गया, नहीं होगा। सेड टू नहीं रहता है, नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, ही आस्क्ड रीता इफ ही वाज इल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59। फाइंड आउट द डैश थिंग्स, ठीक है, फाइंड आउट द डैश थिंग, कौन सी चीजों को ढूंढना है, ठीक है। तो फाइंड आउट द डिस्कार्डेड थिंग्स, डिस्कार्डेड मतलब है ना, जो डिस्कार्डेड चीज है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता लगाना है, ठीक है। चलिए, श्रीलंका इज द डैश आइलैंड, तो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है ना, चारों तरफ से पानी है, तो एन आइलैंड होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आइलैंड, आइलैंड, तो ओ है, यह वोवेल साउंड से शुरू है, इसलिए किसका इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। 1 से 60 तक जो क्वेश्चन था वह ग्रामर का था, ग्रामर का क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, और अब बुक का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इजी आया था, है ना, या ये कहो कि थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वह नहीं बनाने लायक है। तो 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो छोड़ना रहता है तो किसको छोड़िएगा, तो जो उसमें देता है उलूल जुलूल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी जो है बनाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इस बार इंग्लिश का एग्जाम हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत बढ़िया बच्चा सब लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो और बेहतरीन लिखा है, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। पिछले बार भी जो है हम लोग ने 92 मार्क्स और बिहार टॉपर, ठीक है, बिहार टॉपर के साथ इंग्लिश में 92 मार्क्स था, ठीक है। हम सेंटर पे गए तो बोला बच्चा सब, हम आंसर जो है कब का बनाने वाले थे, लेकिन बच्चा बोला कि सर मिला लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं गलत उलत हो गया तो से अभी आंसर नहीं डालिए, इसलिए हम लेट से आंसर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये साइंस का है, इसके बाद आर्ट्स का हम डाल देंगे, आर्ट्स का कल ही एग्जाम खत्म हुआ है तो आज डाल देंगे। चलिए देखिए, बीच बीच में क्या होता है ना, 61 नंबर, बीच बीच में क्या होता है कि बच्चा सब चेक कर लेता है, एक आध हो गलती हो जाता है तो वो टेंशन में आ जाता है कि अब क्या होगा, गलती हो गया मेरा जो है ना, इसलिए। चलिए आप देखिए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाई डैश चीफ फैक्टर्स, द टू चीफ फैक्टर्स के द्वारा जो है यह एडिटोरियल पॉलिसी, हाउ फ्री इज द प्रेस से, हाउ फ्री इज द है ना प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस से यह क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो एडिटोरियल पॉलिसी होता है दो दो चीफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। दो चीफ फैक्टर्स हमने बताया था आपको, एक होता है वेल्थ ऑफ द ओनर और एक होता है आपको एडवर्टाइजर्स, ठीक है। क्या होता है एडवर्टाइजर्स, जो प्रचार करता है, प्रचार दिलाता है। 62 का, पर्लेस बक एट हर फूड डैश इन है ना इंडियन विलेज, तो किस पर है ना अपने हाथों से वो खाना खाई थी, है ना, स्पून से, फॉर्क से, चॉप स्टिक से नहीं खाई थी, हाथ से खाना खाई थी। भारत में जो है प्रावधान है, जब पर्लेस बक आई थी चाइना से भारत, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज, ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो वह केला के पत्ता पर हाथ से खाना खाई थी, साउथ इंडियन फैमिली में वो रुकी थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, विथ हर हैंड्स, अपने हाथ से खाई थी। दैट लव लवेस्ट मी दैट सावेस्ट, ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है, कहता है जैसा कि तुम कहती हो कि तुम उससे प्यार करती हो वैसा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो तुम रोती नहीं, यह लाइन हमने पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बहुत बच्चा सब इस बार जो है बहुत बेहतरीन लिखा है, बहुत गर्दा गर्दा उड़ा दिया जो है लिखा है ना, हालांकि रिजल्ट आएगा जो है तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन किट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, कह रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी नेचर, यह ब्यूटी पोएम थे, रोमांटिक कवि है जॉन किट्स, ठीक है। ये ऑड टू ऑटम से क्वेश्चन लिया गया है, ओके। आंसर क्या होगा, 64 का बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए, इन द फायर हिम, फायर हिम मतलब केके दारू वाला जो लिखा है, दारू वाला टॉक्स अबाउट, तो फायर हिम में किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो बर्निंग घाट के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट के बारे में चर्चा हो रही है, शमशान घाट जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, ठीक है, वहां पे उसकी चर्चा हो रही है, फायर हिम। 66 का आंसर, एंड हिज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन द फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज फ्रॉम, तो यह मैकेबरी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड जो है वह पुलिस का सबसे बड़ा मुख्यालय है, लंदन पुलिस का,
ठीक है, और उसके फाइल में भी बिल्ली के पंजों का निशान आज तक नहीं मिला है। द मैकेबिडी द मिस्टी कैट, इसको लिखा किसने है, द T.S. इलियट ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आंसर 67, सब पढ़ाया गया है, सब इतना जो सीरीज चलाए थे हम क्वेश्चन बैंक का, वो सारे में ये सब सारे क्वेश्चन आए थे। द ग्रैंड मदर्स हाउस इज फेल डैश आफ्टर हिज डेथ, ग्रैंड मदर्स है ना, ग्रैंड मदर कमला दास इसको लिखी हुई है। तो द ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो साइलेंट हो गया है, मतलब चुप हो गया है, शांति हो गया है वहां पे, वहां पे घोर अंधेरा रहता है। काहे, क्योंकि ग्रैंड मदर अब मर चुकी है इसलिए। ओके, ही ड्रैंक इनफ, ही मतलब यहाँ पे वह काफी ज्यादा पानी पी लिया था, स्नैक ज्यादा पानी पी लिया था। ठीक है, एंड लिफ्टेड हिज हेड डिमली एज वन हू द ड्रंकन इज फ्रॉम, यह किस चैप्टर से लिया गया है, स्नैक से लिया गया, जा स्नैक से लिया गया। ठीक है, चलिए, स्नैक पानी पीने के लिए आता है और राइटर भी पानी पीने के लिए आता है। ठीक है, 69 का आंसर, पॉरलेस बक वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डैश, है ना, पॉरलेस बक जो है वो पिजेंट्स, पिजेंट्स मतलब होता है यह किसानों से मिलने के लिए, मतलब किसानों से मिलने के लिए आई थी। ठीक है, और शहरों के इंटेलेक्चुअल से मिलने के लिए आई थी। ठीक है, सिटी के इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो शहरों में बुद्धिजीवी वर्ग है उससे मिलने के लिए आई थी, और जो गाँव में, विलेज में, गांव में जो किसान रहते थे उससे मिलने के लिए पॉरलेस बक आई थी, चाइना से आई थी, भारत इंडिया टूर ट्रैवलर्स आई में। एट फर्स्ट बेंजी केप डैश हैंड्स, ठीक है, द अर्थ का यह क्वेश्चन है। ठीक है, द अर्थ का यह क्वेश्चन है। ओके, और इसमें कह रहा है कि बेंजी शुरू शुरू में कितना मुर्गी पाला था, तो 10 से 12 मुर्गी पाला था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते गया। 71, द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन, ठीक है, तो यह निग्रोज है, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहा है, लूथर किंग JR इसमें लिखा हुआ है, जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहा है कि हम लोग तो जब तक सेटिस्फाइड, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक जस्टिस जो है, जस्टिस मतलब न्याय जो है, निगरों को मिल नहीं जाता है, वह पानी की तरह ही बहेगा, तब तक हम चैन से बैठने वाले में से नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बर्नार्ड रसेल बिलोंग टू, बर्नार्ड रसेल बिलोंग टू, तब बर्नार्ड रसेल ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बर्नार्ड रसेल जो है वह क्या, किससे, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए देखिए, द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1150 से 1500, 1150 से 1500 के ईस्वी को हम लोग बोलते हैं मिडिल इंग्लिश बोलते हैं, और 449 से 1066 तक के इंग्लिश को बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, और 1150 से 1500 ईस्वी तक के बोलते हैं, 1150 से 1500 को मिडिल इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश आता है 1500 से लेके ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स मतलब 1500 ईस्वी से अभी तक का अंग्रेजी जो है उसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 है, मिडिल इंग्लिश है। ओके, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये सब सारा क्वेश्चन बताया गया है, ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं है जो नहीं आपके सामने से गुजरा हो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने के दौरान हमने सबको बता दिया था। लैटिन एंड डैश वर द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, द लैटिन और स्कैंडिनेवियन का ओल्ड इंग्लिश पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, देखो बहुत सारी भाषाओं का प्रभाव पड़ा ओल्ड इंग्लिश पर, लेकिन लैटिन और स्कैंडिनेवियन सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25, द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश एज देयर मदर टंग, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो भारत में, वह कौन सा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब होता है ऐसा अंग्रेज जो इंडिया में बस गया हो, ठीक है, तो अंग्रेजी ही बोलेगा, सिंपल सी बात है, उसको हिंदी तो आएगी नहीं, मदर टंग उसका इंग्लिश ही होगा। 76 का, हु रोट सी स्टॉप्स एंड कंक्वायर, ठीक है, सी स्टॉप्स एंड कंक्वायर यह एक बुक है, यह एक रचना है, यह एक वर्क्स है ना, यह एक वर्क है, वर्क्स मतलब रचनाएं होती है, जो किसने लिखा है, तो इसको लिखा है किसने, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। ठीक है, यह एक राइटर है, यह इस किताब को इसने लिखा है। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, द एंग्लो सेक्सन इन्वेडेड डैश इन 449, 449 ईस्वी में एंग्लो सेक्सन ने किसको जीता था, तो ब्रिटेन को जीता था। ठीक है, मतलब ब्रिटेन पर इन्होंने आक्रमण किया था और ब्रिटेन को जीत लिया था, और वहां पे अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की। चलिए
28 वाई क्लिफ एंड लैंगलैंड आर रिलेटेड राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड। जो वाई क्लिफ और लैंगलैंड है ना, यह किस पीरियड के राइटर है? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के यह राइटर है, ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड के यह राइटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए 79। मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज। मैकेविटी को मिस्टीरियस कहा जाता है, रहस्यमयी कहा जाता है। काहे रहस्यमयी कहा जाता है भाई, क्या कारण है सो रहस्यमयी कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि नो वन अंडरस्टैंड हिज वेज, मतलब वह कौन से तरीके से काम करता है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। आंसर क्या होगा? सी इज द, देखो ही हैज हिडन पावर्स, हिडन पावर्स उसके पास नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। द स्कॉटलैंड आज बैफल बाई हिम, ठीक है, ये भी नहीं हो, उलझन है, तो ये भी थोड़ा सही हो सकता है। ही हैज हिडन पावर, उसके पास हिडन पावर भी है। मतलब अब इसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? नो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आंसर, ये अगर ये ऑप्शन नहीं रहता ही हैज ए हिडन पावर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाता। अगर ये नहीं रहता, दूसरा कुछ रहता, स्कॉटलैंड आज बैफल्ड बाई हिम, है ना, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ए जो है नजदीक है। तो अब बोर्ड कौन सा आंसर रिलीज करती है सो चेक करना है। कोई कोई क्वेश्चन बोर्ड जो है ना, आपको एगो आंसर, मतलब क्वेश्चन ही गलत था, वो दिखावे किए हैं, और फिर इसका जो है मतलब नजदीक दे देता है कि अब भाई ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये आंसर हो जाता। लेकिन अब क्या कीजिएगा, बोर्ड क्या समझ के दिया है क्वेश्चन वो तो वही समझेगा, और आंसर जो, ऐसा क्वेश्चन को बनाना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। एटिक का आंसर बताइए, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस से बिलोंग करता है, ठीक है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। ट्रैवलर्स इन, नहीं नहीं नहीं, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज इज फ्रॉम, ट्रैवलर्स इन लास्ट स्टेज, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, से लिया गया है कि अंतिम क्षण में ट्रैवलर्स जो यात्रीगण है उसको कुछ आराम भी मिलता है, ठीक है। तो 81 का आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 82 का आंसर देखिए, द सोल्जर इज एन सोनेट, द सोल्जर क्या है? सोनेट, सोनेट का हिंदी होता है 14 लाइंस की कविता, 14 लाइन की जो पोयम रहेगा उसको बोलते हैं सोनेट, जो 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइड रहता है, एक लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और जो छह को लाइन रहता है उसको सेस्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ाया है, तो सोनेट इज द राइट आंसर। ऑटम इज अ सीजन ऑफ, ऑटम जो सीजन होता है वो किस चीज का सीजन होता है? फ्रूटफुलनेस, फल पकने का मौसम होता है, ठीक है। और टू ऑटम जो है इससे लिया गया है, जॉन केट्स को लिखा है रोमांटिक कवि ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 84, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, तो ये एन एपिटाफ से लिया गया है, किससे लिया गया है? एन एपिटाफ से लिया गया है। 84 का आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा, तो वाल्टर डी ला मारे इसको लिखा हुआ है, ठीक है। किसने लिखा है? वाल्टर डी ला मारे। हम इसको याद भी करवाए थे कैसे, कि मारे है मतलब मरे वाला है, तो ये इसकी महबूबा जो है मर गई हुई है ना, और यह कब्र के अंदर दफन है। तो यह कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा, कोई याद नहीं रखने वाला है, मैं हूं तब तक याद मैं तुमको रख रहा हूँ। द प्रेज एंड इमेजेज ऑफ डैश रन थ्रू आउट द पोएम द सोल्जर, ठीक है। तो किसका प्रेजेज, किसकी प्रशंसा और किसका इमेजेज जो है घूम रहा है? तो इंग्लैंड का, कभी जो है इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड का ही है। इसको लिखा किसने? तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है इसको, द सोल्जर को। उसी वो कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड की इमेजेज है उसकी यादगारी है और उसका जो प्रशंसा है वो मेरे दिमाग में घूम रहा है, ठीक है, द सोल्जर में। How often I think of going there to peer through and blind as windows is from my grandmother's house, कमला दास से, कमला दास इसको लिखा हुआ है, कमला दास कह रही है कि कितनी बार मैंने सोचा कि मैं अपने दादी माँ के घर जाऊँ और उस क्या कहते हैं काली घर में, मतलब जो साइलेंट घर पड़ा हुआ है उसको मैं खिड़की से पीपिंग झांक के देखूँ कि क्या है अंदर, ठीक है, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला। चलिए 87 Who wrote for every atom belonging to me as good belongs to you? किसने लिखा है, ठीक है। तो जो जिस चीज से मेरा शरीर बना हुआ है उस चीज से आपका भी बना हुआ है, तो वाल्ट विटमैन ने इसको लिखा है, ठीक है। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन है। Hoping to see is not till death is from, जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं मरूंगा, ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। देखो दो दो क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है पीछे भी था। 89
द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक. तो इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है. ठीक है, हमारा पास्ट न तो मरा हुआ है और न स्थिर है, यह हमेशा जिंदा रहता है और डायनेमिक, यह चलंत रहता है. 90, नानू काका वाला आ गया. ये पिंच ऑफ स्नफ का है क्वेश्चन, मनोहर मालगांवकर ने इसको लिखा है. नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच. ठीक है, पिंच नहीं होगा, पिंच ऑफ स्नफ. ठीक है, नानू काका ने अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स खोला और उसमें से एक चुटकी सूंघनी उठाई, ऐसे ऐसे सूंघने का काम किया. ठीक है, तो ये पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, इसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ किथी, फेथ, फेथ के साथ वह काम करता रहे, यह लिया गया है आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, मेरा एक सपना है. ठीक है, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर है प्रोज का, उससे लिया गया, इसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, है ना. निग्रो लोगों की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, निग्रोज की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने इसको लिखा है. स्पीच है, भाषण है, लिंकन मेमोरियल हॉल एंड किस सीडियो पर उन्होंने ये भाषण दिया था, ऐतिहासिक भाषण दिया था. ठीक है, चलिए. 92, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग. ठीक है, जो सबसे बाद में जो इन्वेंशन हुआ था, वो सबसे बाद का इन्वेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन कला. ठीक है, अगर लेखन कला नहीं रहती तो आज हम लोग जो है से कि ये सब जो इंग्लिश उंग्लिश पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, वो होता ही नहीं, वो लिखा ही नहीं रहता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए. राइटिंग डैश स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस. कौन सी चीजें हमारे प्रोग्रेस को स्टॉप्स कर सकते हैं, हिंडर्स कर सकते हैं, मतलब ये हमें रोक सकता है. तो एजुकेशन तो आगे ले जाने का काम करता है, पॉलिटिक्स भी आगे ही ले जाने का काम करता है, क्लास भी आगे ले जाने का काम. पॉवर्टी जो है हमारे इस प्रोग्रेस को रोक सकता है. ठीक है, हमारे प्रोग्रेस को रोकने का काम कौन कर सकता है, पॉवर्टी कर सकता है. ठीक है, डैश वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल इन प्राइमरी स्कूल. कौन जो है वह अभी 12 वर्ष का है, अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, तो सेवई है. ठीक है, सेवई अभी कितने साल का है, 12 वर्ष का है और अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है. ठीक है, चलिए. सेवई ये लौकी इकट्ठा करने वाला है ना, ये गोड़ को इकट्ठा करने का काम करता है. चलो देखो, डन कंपेयर सी जर्नी ऑफ लाइफ टू डैट ऑफ सन. सन से, सूरज से तुलना करता है अपने लाइफ की जर्नी को. जॉन डन जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लिखे हुए हैं, वो किससे तुलना करता है, तो सूरज से करता है. सूरज की तुलना में ज्यादा पंख और डैने लगाकर, मोर स्पर्स है ना एंड विंग्स देन ही, और उसकी से ज्यादा तेज गति से मैं तुम्हारे पास दौड़कर आऊंगा, यह मेरा वादा है. दाउ वॉचेस द लास्ट वॉजिंग आवर्स बाई आवर्स इट इज फ्रॉन्ग. ठीक है, तो यह ऑड टू ऑटम से लिया गया है. ठीक है, किससे लिया गया है, ऑड टू ऑटम से लिया गया है. ठीक है, 96 का आंसर हो जाएगा आपका सी. ठीक है, आवर एंसेस्टर देयर फॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर. महात्मा गांधी, इंडालगनेंस, इंडालगनेंस मतलब होता है उससे तल्लीन रहने के लिए. हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट किया है कि हम लोग ज्यादा जो है जो भौतिक चीजें हैं उससे दूर रहे, उसमें ज्यादा इंडल्ग नहीं रहे, उसे तल्लीन नहीं रहे. ठीक है, 98, आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज फ्रॉम हुज पीस इज कोटेशन. तो जाकर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो लिखे हुए हैं भारती माई होम, उसी से, उसी के स्पीच से यह लिया गया है. ठीक है, उसके बाद है नानू काका वेन टू विजिट द डैश मिनिस्टर. तो नानू काका किस मिनिस्टर के पास जाते हैं विजिट करने के लिए, द वेलफेयर मिनिस्टर है ना के पास जाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है लीप. लीप द डॉग वॉज ब्रॉट फॉर डैश रूबल. लीप डॉग जो है, लीप जो डॉग था वो 85 रूबल का था. लीप को डॉग किसका था, तो नतालिया का डॉग था, है ना, नतालिया का डॉग था. यह किस चैप्टर से लिया गया है, ये मैरिज प्रपोजल से लिया गया है, मैरिज प्रपोजल से. ठीक है, तो आप इसमें से आप सारा क्वेश्चंस का आंसर मिलाकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस विद्यार्थी का कितना सही हुआ है. ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर कोई विद्यार्थी 95 लाता है तो उसे हम एक लैपटॉप देंगे. ठीक है, अगर हमारा विद्यार्थी है, ठीक है, तो उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा. 95 इंग्लिश में अगर लाता है तो
उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसका किसका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है। बाकी टोटल रिजल्ट आने पर फिर से हम वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हमारा कोर्स जो है अभी 299 का कोर्स चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स है, ठीक है। इसका वैलिडिटी 2 ईयर्स है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन है हमारा एपेक्स इंग्लिश क्लासेज, हमारा ऐप है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज, उस एप्लीकेशन को एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कोर्स होगा जिसका नाम है फ्रीडम कोर्स, ठीक है। और इसका प्राइस जो होगा 299 होगा, 299 पे कीजिए, और 2 बरस के लिए, 2 साल के लिए आपको इस पे इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी 200 नंबर का आपको 12th का मिलेगा, और 11th का भी ग्रामर आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। जो 11th है वो ग्रामर टोटल वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा गया हो और आप बहुत अच्छे नंबर से पास करें, यह हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।